नमस्कार किसान भाइयों, जयपुर मंडी भाव चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जयपुर मुहाना मंडी में है और हम हैं गुलशन ऑनियन कंपनी गुलशन भाई के पास। प्याज में क्या माहौल बना आज और कितनी आवक देखने को मिल रही है, क्या बाजार चला, ग्राहकी कैसी रही, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। क्वालिटी आपके सामने है, ये सभी नया प्याज मंडी में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बाकी पुराना प्याज भी देखने को मिल रहा है। ये सामने देख सकते हैं, ये पुराना वाला प्याज देखने को मिल रहा है, क्वालिटी बढ़िया है, साफ सुथरा माल देखने को मिल रहा है। तो चलिए लेते हैं आज का ताज़ा अपडेट। कैसे हो सर? बढ़िया यादव जी, बहुत बढ़िया सर। तो सर आज प्याज में क्या माहौल बना है? प्याज बिक रहा है, अच्छा प्याज बिक रहा है। देखो 40-42 से लेके 46-47 नया वाला 45-46 के ज्यादा माल बिक रहे हैं, अच्छे माल बढ़िया। ठीक है जी सर। और सर पुराने वाले में क्या? पुराने वाला प्याज बहू जी जैसा माल है वैसा भाव है। पुराना तो क्या 30 रुपए से लेके और राजस्थान का माल 37-38 रुपए तक है। ठीक है जी, बस 40 बोले हैं लेकिन बिकता नहीं है। अच्छा जी, और अपना ये नासिक वाला? नासिक वाला प्याज तो भाऊ जी 48 रुपए बोल रहे हैं लेकिन ग्राहकी नहीं है उसकी। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ ग्राहक को साला माल चाहिए 40-42 क्या, होटल वालों को देने के लिए पड़ते का ही माल चाहिए। पुराना प्याज ज्यादा ऊंचा भाव का नहीं बिक रहा, बिल्कुल नया प्याज बिक रहा है। तो सर आज अगर आवक की बात करें तो आवक कितनी? आवक बहुत कम है, आवक कटी हुई है। लगभग कितने कट्टे होंगे सर आज? देखो ऐसे तो मंडी में मिला के तो 20 गाड़ी तो नई की है। अच्छा जी, हाँ 20 गाड़ी नई की है सर। बैलेंस वगैरह भी है, छोटी बड़ी मिला के 20 गाड़ी है, बैलेंस भी पड़ा है 5-7 गाड़ी का। अच्छा, बाकी वो ओवरलोड काम नहीं है मंडी के ऊपर, माल पड़ा हो, माल बिक जाएगा सर, बिक जाएगा माल। बिल्कुल 15-20 हजार कट्टे तो होंगे सर। हाँ इतना तो माल ऊपर नीचे होगा सब माल मिला के। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर माल की जो क्वालिटी है वो थोड़ा हल्की ज्यादा आ रही है, बरसात है भाऊ जी पीछे सभी जगह कर्नाटक में काफी बारिश है, ये आने वाले 5-4 दिन तो माल अच्छा फिर भी आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद और भी हल्का माल आएगा, और भी हल्का हो सकता है। तो इससे हल्के के चक्कर में बाजार है थोड़ा सा नीचे गिरता है? नीचे नहीं, वो माल यहाँ पहुँचेंगे नहीं, आमदनी शॉर्ट हो जाएगी। अच्छा जी, अच्छा, माल आएगा ही नहीं यहाँ तक, भरेगा कौन? गीला माल वो अपनी लोकल मंडियों में बेचेंगे, इतनी दूर माल नहीं आएगा, वो गीला माल थोड़ी लोड होगा, जो सूखा माल है वो आ गया। बिल्कुल सर। एक अगर प्याज बढ़िया है वो 40-45 की रेंज में चल रहा है? चल रहा है, आराम से बिक रहा है इस भाव में। तो सर आने वाले समय में क्या देख रहे हैं? आने अभी देखो 15 दिवाली तक कोई है डर वाली बात कुछ नहीं है। अच्छा जी, दिवाली के बाद क्या अलवर निकलेगा वो भी माल थोड़ा प्रेशर से आएगा, कभी बाजार नीचे जाएगा नहीं तो शुरुआती दिनों में वो भी बाजार कम नहीं जाएगी। बिल्कुल, उधर की अभी क्वालिटी आएगी भी नहीं। बिल्कुल, शुरू में अगर चुटपुट आएगा तो अगेती प्याज है वो खराब हुई हुई है। बिल्कुल, वो वैसे क्वालिटी नहीं आएगी। पर सर नवंबर दिसंबर में जो अलवर के किसानों को मिल सकता है भाव? देखो भाव जी वो तो उसी टाइम वक्त पे पता लगेगा कितना निकल के आता है, किधर किधर की फसल चलती है, वो क्वालिटी कैसी निकल के आती है। महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है आपको पता ही है, बिल्कुल बरसात खूब हो रही है, तो वहाँ के मालों की क्या पोजीशन बचती है मालों की तभी अंदाज पड़ेगा, अभी अंदाज नहीं पड़ेगा कोई। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। हाँ तो सर अपना मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर है मेरा 98-293-77-352, दूसरा नंबर है 94-140-57-352। गुलशन ऑनियन कंपनी A12 माना मंडी जयपुर। चलो जी धन्यवाद, धन्यवाद सर। पुराना प्याज है और जोधपुर मथाने साइड का है ये पिकअप है। तो चलिए डिटेल लेते हैं थोड़ा बहुत। कैसे हो सर? अच्छा है। क्या नाम है आपका? सीताराम। सीताराम, और कहाँ से हो? गोपालगढ़ बिरी। गोपालगढ़ साइड से। तो अपना ये प्याज है भोपालगढ़ का है या फिर मथानिया वगैरह का है? भोपालगढ़ और मथानिया बीच में रहता हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, है जोधपुर का ही सर? है जोधपुर का। जोधपुर का, तो अभी प्याज की क्वालिटी तो बढ़िया है, तो आज क्या बाजार रहा इसका? इसका बेचा 40-42 में। 40-42 आज, पिछली बार भी आए थे तो पिछली बार थोड़ा रेट आपका 36 रुपए बता रहे थे, 36 रुपया, और आज 40 रुपए बिका है। वो प्याज अच्छा है पर आज क्वालिटी बढ़िया है उससे जो पिछली बार आया था उससे, और 2 कट्टे बिका था वो मांगता है 42 रुपया। शेठ जी हम क्या भाव बिके? तो आज ये गाड़ी लगभग 40-42 के आसपास बिक रही है आपको? 40 रुपए बिक रही है या 40 रुपये बिकेगी? चलो जी, तो अभी स्टॉक है और नहीं, हम खत्म गाड़ी है, लास्ट गाड़ी है। चलो जी बहुत बढ़िया। तो अभी जोधपुर में ये गर्मी वाला प्याज है? हाँ गर्मी वाला। तो ये कब लगेगा? ये लगेगा जनवरी-फरवरी में लग जाएगा। जनवरी-फरवरी में लगेगा। तो आप कैसे लगाते हैं, मतलब छोटी जो अलवर की तरह कांदा लगाते हैं? कांदी छांटते हैं या फिर वो पौध आती है जो? हाँ छोटी छोटी कांदी पर छोपते हैं। अच्छा जी, बीज छांटते हैं।
नहीं, एक तो आप जैसे नर्सरी पहला बीज क्या बनाकर बीज छोड़ते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बीज छोड़ के फिर बाद में बाहर इतनी बढ़िया आएगी, वो 45-50 दिन की हो जाती है। 45-50 वो लगाते हो आप? वो लगाते हैं। ठीक है जी, तो उसमें कितने दिन में तैयार हो जाती है? 3 से 3.5 महीने लगते होंगे। चौबियों के बाद में 3.5 महीने तैयार हो जाती है। 3.5 महीने में तैयार हो जाती है, जनवरी में लगाते हैं तो अप्रैल में तैयार होती है। अप्रैल मार्च में धीरे धीरे जून जुलाई में बिकने लग जाती है। अच्छा जी, तो एक बीघे में लगभग कितनी पैदावार निकलती है गर्मी वाली की? गर्मी वाली 100-150, ज्यादा जमीन अच्छी हो तो 200 ही निकल जाती है। 200 कट्टे या 200 मन? 200 मन निकल जाता है आराम से। बहुत बढ़िया, ये जो प्याज है गर्मियों का सीजन का होता है और 200 मन एक बीघे में से निकल जाता है। तो 200 मन निकल जाता है तो मेरे हिसाब से किसान की जो नहीं, मजदूरी प्याज में ज्यादा होती है। अच्छा, इसमें मजदूरी होती है ज्यादा? खेती से ज्यादा प्याज में, दूसरी खेतियों ज्यादा होती है प्याज में। पर सर आजकल किसान समझदार हैं, वो जैसे ड्रिप का इस्तेमाल करने लग गए, मल्चिंग का करते हैं, तो उसमें जैसे वो निराई गुड़ाई का खर्चा है वो थोड़ा कम हो जाता है। धीरे धीरे पानी की क्षमता कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज में हमें किसान ज्यादा वैज्ञानिक बन गया। बिल्कुल नहीं, वैज्ञानिक तरीके से अगर खेती करता है तो कम लागत आती है। कम लागत लागती है। अगर जैसे खुले ओपन फील्ड में करता है तो उसमें ज्यादा लागत। अब पानी की बूंद बूंद की सिंचाई करता है, पानी को खराब नहीं करता है। आप बूंद बूंद से वो करते हो? बूंद भी करते हैं, फुहारे चलते हैं। अच्छा जी, और कैरी भी बनाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। चलो जी, धन्यवाद जी सर। धन्यवाद।